हेलो एवरीवन, मास्कॉम और बीबीए की प्रेफरेंस शीट के बाद अब हम लेके आए हैं बीकॉम ऑनर्स की। आपको पता ही होगा बीबीए और बीकॉम ऑनर्स दोनों ही आईपीयू के बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास 39 चॉइसेस हैं आपके पास बीकॉम ऑनर्स के लिए। सो बिना वक्त गंवाए एक बार इनके नज़र डालते हैं। तो आपके पास अगर आपको फिल करना है आईपीयू के लिए प्रेफरेंस शीट फॉर बीकॉम ऑनर्स, सो आप इस ऑर्डर में फिल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ और अभी कहता हूँ कि इसमें जो अराउंड 10 प्रेफरेंसेज हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद के जो प्रेफरेंसेज हैं उनके लिए आप प्राइवेट कॉलेज भी ऑप्ट कर सकते हैं, या आपने अगर डिसाइड ही किया है मुझे आईपीयू में ही जाना है तो बात अलग है, वरना आप एक प्राइवेट कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। वैसे तो अभी सीयूईटी का रिजल्ट भी नहीं आया है, आप बैकअप के लिए डीयू को भी ऑप्शन रख सकते हैं। आपका स्कोर बहुत ही खराब है फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार डीयू का वेट करें, अगर डीयू में भी नहीं होता है तो हम प्राइवेट कॉलेज चूज करें। लेकिन लास्ट के ऑप्शन लेने के लिए कोई वर्थ नहीं है आईपीयू में, कुछ ज्यादा ही पीछे ऑप्शन लेते हैं। तो एक बार हम प्रेफरेंस शीट पर नजर डालते हैं फिर पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो टॉप कॉलेजेस है हमारे पास, वो आपके पास महाराजा सूरजमल शिफ्ट वन और शिफ्ट टू। आपको पता ही है आईपीयू के मैक्सिमम कॉलेज में शिफ्ट वन और शिफ्ट टू होती है, इसमें दो माइनॉरिटी कॉलेज भी हैं बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे अगर हम टॉप 10 प्रेफरेंसेस की बात करें तो हमारे पास होगा महाराजा सूरजमल शिफ्ट वन, महाराजा सूरजमल शिफ्ट टू, महाराजा अग्रसेन शिफ्ट वन, विप्स का जो है वो शिफ्ट वन, उसके बाद महाराजा अग्रसेन शिफ्ट टू, जिम्स का कालका जी कैंपस विल बी शिफ्ट वन, विप्स का पीतमपुरा कैंपस शिफ्ट टू, 8th पे हमारी चॉइस होगी जिम्स कालकाजी कैंपस शिफ्ट टू, फिर 9th पे होगा ट्रिनिटी कॉलेज द्वारका वाला शिफ्ट वन पे, और 10th पे हमने रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जनकपुरी शिफ्ट वन में। सो ये आप मान सकते हैं कि 10th तक है, इनमें आप एडमिशन इजिली ले सकते हैं। आपका डीयू का रिजल्ट अभी अवेटेड है, आप उसका भी इंतजार कर सकते हैं। अगर इसके बाद कॉलेज मिलते हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए। हाँ, जहां तक चॉइस फिलिंग की बात है, वो आपके पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो जरूर फिल करना चाहिए, चाहे आप उसमें लें चाहे ना लें। उसको भी एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं है, वो तो बेवकूफी से कही जाएगी अगर आप सारे ऑप्शन इसमें फिल नहीं करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये कंप्लीट लिस्ट है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। तो यहां पे आपने अराउंड 19 कॉलेज तक का एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपके पास 37 जो है वो ऑप्शंस ओवर हो गए। दो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए आईपीयू में, तो एक आपके पास दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सोनीपत हरियाणा, ये सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, और आपके पास श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत हरियाणा, ये जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है। तो इस तरह से आप ये दो आपके पास माइनॉरिटी कॉलेज भी अवेलेबल है। माइनॉरिटी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कहें, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आप जनरल के थ्रू एडमिशन लेते हैं किसी और कॉलेज में या माइनॉरिटी वाले में लेते हैं, या आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें डिपेंड करेगा। ये लगभग 37 कॉलेज तो हमारे पास ऑप्शंस हो गए और 2 माइनॉरिटी कॉलेज के हो गए हैं। तो ये आईपीयू की एक बीकॉम ऑनर्स की एक रिलेटेबल प्रेफरेंस शीट है। बाकी देयर आर वेरियस पैरामीटर, जिसमें सबसे पैरामीटर मैं यूजी कोर्सेज के लिए सबसे ऊपर रखता हूँ वो आपकी लोकेशन। यूजी प्रोग्राम के लिए अगर कॉलेज आपको 2-3 नीचे रैंक वाला ही मिलता है लेकिन लोकेशन उसकी अच्छी है, बहुत ही पॉश लोकेशन है, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, तो आपको वो चूज करना चाहिए। और 2-3 रैंक कॉलेज के ऊपर जो अच्छा कॉलेज है लेकिन वो कहीं सिक्योरिटेड लोकेशन में है, बहुत ही दूर है हैपनिंग जगह से, या फिर बहुत ही आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं यूजी प्रोग्राम में आप और भी कोर्स करेंगे वो बहुत दूर पड़ते हैं, तो आपको वो चूज नहीं करना चाहिए। लोकेशन मेरी पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद रैंकिंग तो है ही, बाकी स्टूडेंट्स के फीडबैक, कैंपस, फैकल्टी, प्लेसमेंट्स, ये सब पैरामीटर भी हम बहुत सारे पैरामीटर को हमने कंसिडर करते हुए लिस्ट बनाई है। बट अगेन आईपीयू इतनी पॉपुलर नहीं है। अगर आप टॉप कॉलेज की बात करें तो टॉप 10 कॉलेज किसी भी कोर्स में लेना, स्पेशली जो हमने डिस्कस किए हैं बीबीए और बीकॉम, इनमें लेना वर्थ है। बाकी नीचे कॉलेज थोड़े वर्थ नहीं है, यू कैन वेट फॉर डीयू और यू कैन टेक एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर दैट पर्पस। कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कौन सी रैंक पे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।